सर अगर स्टार्ट करेंगे फायरवेल लिस्ट, ये फायरवेल लिस्ट हम लाइट टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब टेक्नोलॉजी हर कोर्स से सोचे और उसमें उसको रेस्क्यू करके बाहर ले जाए तो किस प्रकार से मदद उसके बाद हम लेवल देंगे पीक ऑफ टाइम रेस्क्यू मेथड का, जिसके लिए रेस्क्यू जाएगा और कैजुअल्टी को अपनी बैक पे टूल पे पीक ऑफ टाइम में ये हैवी कैजुअल्टी वर्सेस कैजुअल्टी के हम इस्तेमाल करते हैं ताकि ये जो रेस्क्यू मेथड है ये भी प्रॉपर सपोर्ट दे सके कैजुअल्टी के बैक और एक प्रॉपर स्टेट रेस्क्यू के पास। इसके बाद आप मेथड डेमोस्ट्रेशन देंगे जिसमें दो रेस्क्यूअर मिलकर एक कैजुअल्टी को लिफ्ट करेगा, अगर यदि कैजुअल्टी के पैरों में कुछ चोट है तो उसको किस प्रकार से दो रेस्क्यूअर रेस्क्यू करके लाएंगे। उसके बाद टू हेड सीट का हम आपको डेमोस्ट्रेशन दिखाएंगे, इस तरह से दो रेस्क्यूअर अपने हाथों पर डिप्लॉक करके कैजुअल्टी के नीचे एक सीट फॉर्मेशन करेंगे, जिससे कि अगर कैजुअल्टी चलने में असमर्थ है तो किस प्रकार से उसका रेस्क्यू किया जाए वो डेमोस्ट्रेशन। इसी की तरह टू हेड सीट के बाद हमारे पास थ्री हेड सीट होता है, दो ही रेस्क्यूअर रहेंगे एक कैजुअल्टी और दो रेस्क्यूअर किस तरह से सपोर्ट, अगर कैजुअल्टी पूरी सीट भारी है किस तरह से थ्री हेड सीट फॉर्मेशन के बाद रेस्क्यू, इस तरह से अपने हाथ की फॉर्मेशन बना के कैजुअल्टी के नीचे लगा के और उसको रेस्क्यू करते रहा, यदि कैजुअल्टी थोड़ी भारी है तो उस प्रकार से उसको रेस्क्यू थ्री हेड सीट। कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि रेस्क्यू दो हेयर कट कैजुअल्टी अनएक्सपेक्टेडली हैवी है तो उस प्रकार से हम सेम फॉर्मेशन करते हैं, बट इस बार हम और हेड सीट करेंगे, अगर 80 किलो 75 किलो 80 किलो की कैजुअल्टी तो उसको हम किस तरह से रेस्क्यू करते हैं लिफ्ट करें सेम सीट फॉर्मेशन और हेड सीट। फोर हेड सीट का फॉर्मेशन और इस तरह से हैवी कैजुअल्टी नेक्स्ट मेथड है ह्यूमन क्रच मेथड, यदि कैजुअल्टी के पाँव में कोई चोट लगी है और कैजुअल्टी खुद से चलने में असमर्थ है तो हमारा रेस्क्यूअर किस तरह से उसका पाँव का सपोर्ट अपने सपोर्ट पे लेके उसको रेस्क्यू करने का प्रयास देंगे, इस तरह से कोई बांधने वाली चीज कपड़ा दुकान को रेस्क्यूअर अपने पाँव से उसके कैजुअल्टी का पाँव बांध सके खुद किस तरह से सपोर्ट दे उसको रेस्क्यू करने का। तो ये कुछ डेमोस्ट्रेशन है।